कौन सा तारीख को पड़ा इस साल? 8 नवंबर सोमवार, ठीक सही बात। सेकेंड खरना कितना घंटा का होता है इनके? 36 घंटा कुछ, 36 घंटा कुछ। खाना पीना नहीं है, निर्जलीकरण। हाँ यही बात बोले, पूरा बात बोले है ना, 36 घंटे तक बिना निर्जलीकरण पूरा कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को। और तीसरा दिन संध्या का अर्ध, टाइम कितना बजे बता रहा है? 48 बता रहा है, ठीक है। जल में किसको अर्पण करता है? जल किसको अर्पण करता है? छठी माई को, भगवान भास्कर को। छठी माई का पूजा हो रहा है, छठी माई कौन है? भगवान भास्कर का, भगवान भास्कर का छठी माई कौन है? इतना तो हमको पता नहीं। बहन बहन हमको यदि आप देते जरूर तो हम जरूर बता सकते, लेकिन आप क्लास ये नहीं पता नहीं। एक ही साथ क्लास में पढ़ा तो कैसे देगा? हिंदी स्कूल में भी गया, गोरखा स्कूल में गया, एक ही साथ गया है ना, फिर होगा कैसे? मामा भागिन देखे स्कूल में पढ़ा हुआ है। हाँ तो एक ही स्कूल में था, राष्ट्रभाषा से लेकर गोरखा स्कूल तक था कि नहीं? हाँ। इस साल छठ पूजा 2021 का नवंबर का वीडियो ये बीच का रास्ता, नदी के बीच में जमीन है, वहाँ से अभी सब कोई पंडाल बना बना के इस प्रकार का। हमारा कोई भी वॉलेंटियर अगर हो उसको मतलब ध्यान दे, ब्रिज को खाली कराए, ब्रिज को खाली कराए। कोई बात मासी नहीं, माइक में अनाउंस हो रहा है ये खिलौना वाला, खिलौना बेचते हुए इस छठ पूजा में हर साल। कोरोना का समय है, मास्क लगाने का आपको भी सुझाव दिया जा रहा है। इस छठ पूजा का पूरा आनंद लीजिए। अपने घाट को जाने का कष्ट करें। हरि ओम निर्वाण ब्रह्म मरेदम निजम निर्गुणम निकल निरे जय छठी मैया की, जय जय छठी मैया की, अपनी ये जय छठी मैया की, जय भास्कर भगवान की। आप पानी में फेंक दीजिए, किसी का देह में ना जाए, किसी का देह में ना जाए। इस छठ पूजा की शुरुआत कब से? पुरानी किताबों में बहुत सारी कुदंडियाँ मिली, कुदंडी में कहानी में कहा जाता है भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके यज्ञ किए थे, उसने भगवान खास करके पूजा अर्चना जल पर खड़े होकर के की थी। इसका असल उदाहरण मिलता है। दूसरे नंबर पर है भगवान खास करके सुपुत्र कर्ण, जिसने भगवान सूर्य को घोर तपस्या की थी जल पे खड़े होकर, उसके बाद से ये छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। भारत में खासकर
पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में अत्यधिक बिहार वासी है जो अपने रोजगार के वजह से या किसी कार्य के वजह से जो दूसरे दूसरे राज्यों में गए हैं उस जगह में भी कुछ स्थान में भी आप लोग देख लीजिए छठ पूजा किस प्रकार से मनाया जा रहा है। हर दिल में हर जगह अपना स्थान बनाने वाले बिहार वासी है। देखिए इस असम के गुवाहाटी में स्थित वशिष्ठ मुनि नदी में भी आकर अपने लाखों लाखों भक्तगण यहाँ में देख पाएंगे, लाखों लाखों भक्तगण देख पाएंगे मेरे चारों तरफ। इस वशिष्ठ मुनि आश्रम गंगा नदी में एक वशिष्ठ नगर इसे कहा जाता है। हम आकर के छठ पूजा हर साल लाखों का के हर साल इसका बढ़ोतरी हो रहा है। भगवान अर्घ दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, छठी मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मन व चित्त प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार की गुवाहाटी में स्थित छठ पूजा का आप आयोजन जो देख कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके पुलिस प्रशासन सरकार प्रशासन था इस साल, पिछला साल किसी भी प्रकार का छुट्टी नहीं मिला था। सरकारी सरकारी ऑफिस प्राइवेट ऑफिस की छुट्टी किसी दे दिया कि छठ पूजा है, आप अच्छी तरीके से छठ पूजा का आयोजन करें। इस साल बहुत ही अच्छी बात है, पहला अच्छी बात है डीजल का रेट 70 रुपये का डाल दिया, दूसरा अच्छी बात है ये छुट्टी घोषित कर दिया कि सारे के सारे जो स्टाफ है जो हम पूजा अर्चना अपना तरफ से संपन्न करना चाहते हैं। महाभारत काल में भी इसके बारे में कहानी प्रचलित है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उतारिका को छठी मैया की पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया गया, उसके बाद से इस छठी मैया की शुरुआत छठ पूजा की शुरुआत हो गई। भगवान भास्कर का अर्घ देना बाकी भगवान भास्कर ही सर्वशक्तिमान, इसके लिए आपको उस पूजा का अर्चना किया जाता है और इस प्रकार का आप अर्चना गुवाहाटी में देख पा रहे हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं छठ पूजा। ये यहाँ में प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का असुविधा उसके लिए आपको मदद करने के लिए हमें साउंड बॉक्स सिस्टम, पुलिस व्यवस्था, मेडिकल स्टॉक, सर्टिफिकेट तक भी उपलब्ध है इस जगह में। सिर्फ आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तो मदद करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर, आप एक साल देख पा रहे हैं। ये है गुवाहाटी के स्थित छठ पूजा का वीडियो। इंसान इधर से उधर हो जाता है तो उसके लिए माइक के पास नाम उसका पता है, काउंटर पे बुलाया जाता है, अपना जो परिचित है उससे 2048 के चार छठ पूजा का पहला 4:48 का टाइम था, 4:48 का टाइम का हुआ है। सब कोई अर्घ दे करके पूजा अर्चना दियोरी जला करके माँ छठी मैया को देख पा रहे हैं आप, टोकरी लेकर के अपने गाड़ी की ओर जा रहे हैं, उसके बाद अपने मंदिर लेकर घर की तरफ वो लोग निकल जाएंगे। उसके बाद कल सुबह सिर्फ 12 बजे से लेकर के 2-3-4 बजे तक आदमी लोग वापस आएंगे सुबह का अर्घ देने के लिए इस जगह पर। यह है गुवाहाटी का वशिष्ठ स्थान में वशिष्ठ रिवर और वशिष्ठ मुनि का आश्रम से आपके लिए गुवाहाटी स्टेट में आपके लिए सभी अभी